फ्रेंड्स, सुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए क्या आए हैं, मटन कोफ्ते। तो देख लीजिए, बहुत हम आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। तो हमने देखिए आधा किलो कीमा ले लिया है, मटन का हमने कीमा पिसवा लिया है और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है हमने, इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया है। एक हमने प्याज काट ली है, दो हमने चम्मच बेसन लिया है, दो चम्मच बेसन लिया है और इसे अच्छी तरह से हमने भून लिया है। मसाले में देख लीजिए, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, आधा चम्मच मिर्च ली है, आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, एक आधा चम्मच नमक लिया है, एक चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, दो हमने हरी मिर्च ले ली है। ये देखिए बारीक बारीक हमने काट लिए इसे। तो आइए दोस्तों बनाते हैं, पहले हम कोफ्ते तैयार करते हैं। तो कोफ्ते के लिए हम पहले ये कोफ्ते हमने ये कीमा ले लिया है, तो अब इसमें हम ये प्याज भी डाल देंगे और ये हम बेसन डाल देंगे और ये हम सारे मसाले इसमें डाल देंगे। हमने इसमें धनिया नहीं डाला है, हरा धनिया, हमारे पास धनिया नहीं है इस टाइम, तो हमने हरा धनिया नहीं डाला है और आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो अब इस मसाले को हम मिक्स कर लेंगे और इनकी बॉल बना लेंगे। कोफ्ते तैयार कर लिए हैं और अब इस कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। हमने देखिए तेल रख दिया है पैन में और हम इस कोफ्तों को तैयार कर फ्राई करेंगे। देखिए हमारा तेल हो गया है और वन बाय वन इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए हैं और अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ग्रेवी के लिए हमने ये कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। ये देखिए हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे इसमें और होने देंगे। तो देखिए ये हमारे हो गए मसाले। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो हमने ये पीसी है, पीसी प्याज डाल देंगे और अब इस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। प्याज हो गई, ये देखिए फ्राई हो गई। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, दो टमाटर हमने पीसे थे, ये हम डाल देंगे इसमें। और ये देखिए ये जो सारे मसाले हैं ये हम इसमें डाल देंगे। और देखिए इसे अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे। मसाला भून गया है, इसमें देखिए तेल छोड़ गया है और अब इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। तो देखिए हमने इसमें कोफ्ते डाल दिए, अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डालेंगे। ये देखिए हमने एक गिलास इसमें पानी डाल दिया है। ये देखिए अब इसे एक उबाल आने देंगे। ये देखिए और अब इसे एक उबाल आने देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। हो गया है, अब हम दिशा उत्तर तैयार हो गए हैं कोफ्ते और देखिए कितने टेस्टी और यमी दिख रहे हैं। देखिए आप ऐसे ट्राई कीजिए एक बार, बहुत सरल रेसिपी है ये। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाजिर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।